इन दिनों सुपरस्टार्स की फिल्मों की रेस जारी है। ऐसे में एक फिल्म ने बाजी मार ली है। फिल्म बरेली की बर्फी ने महज 2 हफ्तों में कमाल कर दिया है। यूं तो फिल्म रिलीज होने के बाद पहले हफ्ते में ही हिट हो गई थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी इस फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी है। वहीं इस फिल्म की कमाई ने लोगों को चौंका दिया है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और कृति सेनन स्टारर बरेली की बर्फी का जादू लोगों पर इस कदर छाया है कि फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है, जिसके चलते फिल्म महज 2 हफ्तों में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। फिल्म ने 2 बड़ी फिल्मों के रिलीज के बावजूद ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी रखा। हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने शुक्रवार को फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक फिल्म ने महज 2 हफ्तों में ही 2702 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। आगे जाने इस फिल्म जुड़े और भी आंकड़े और बाकी फिल्मों की हालत। इतनी कमाई ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी देते हुए बताया है कि बरेली की बर्फी ने 2 हफ्तों में 2702 करोड़ का कारोबार किया है। हर दिन जबरदस्त कमाई, शुक्रवार को 1 15 करोड़, शनिवार को 1 75 करोड़, रविवार को 2 30 करोड़, सोमवार को 75 लाख, मंगलवार को 75 लाख, बुधवार को 85 लाख और गुरुवार को 75 लाख का कारोबार किया। इस तरह से फिल्म की कुल कमाई देखें तो यह 2702 करोड़ रुपए है। बड़ी फिल्मों से भिड़ी इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक तरह से काफी चौंकाने वाला भी है, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज 18 अगस्त के पिछले हफ्ते अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज 11 अगस्त हुई थी। अगले हफ्ते ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बाबू मोशाय बंदूकबाज और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैकलीन फर्नांडिस की डॉलर जेंटलमैन रिलीज हुई। जीता दिल इतनी बड़ी फिल्मों से भिड़ने के बावजूद भी बरेली की बर्फी अपने अच्छी कहानी और अभिनय के चलते लोगों के दिलों को जीती रही। कुछ ऐसी है कहानी। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। फिल्म की कहानी कृति, आयुष्मान और राजकुमार के किरदार के इर्द गिर्द बुनी गई है। इस फिल्म के डायलॉग इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं कि वे लोगों के दिलों को छू पाने में कामयाब रहती है। हो गई ये बिग बजट फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म डॉलर जेंटलमैन को रिलीज हुए 7 दिन हो गए हैं और इसका कलेक्शन पहुंच पाया है 1982 करोड़ रुपए। तरण आदर्श ने इस फिल्म को फ्लॉप बताया है। हो गई ये बिग बजट फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म डॉलर जेंटलमैन को रिलीज हुए 7 दिन हो गए हैं और इसका कलेक्शन पहुंच पाया है 1982 करोड़ रुपए। तरण आदर्श ने इस फिल्म को फ्लॉप बताया है।